सुखगंज थाना क्षेत्र के जंजीरवाला चौराहे पर बुधवार शाम रुपए के लेन देन में बैंक एजेंट ने वृद्ध से मारपीट की। इससे बुजुर्ग बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। उसे अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वृद्ध ने मिल में नौकरी करने के दौरान निवेश कंपनी का एजेंट बुजुर्ग से रुपए कलेक्शन करता था। एजेंट 2 साल से रुपए लौटाने में आनाकानी कर रहा है। बुधवार को एजेंट और बुजुर्ग का आमना सामना हो गया था, तब एजेंट ने उसे धक्का दे दिया था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र का है। टीआई तहजीब काजी के मुताबिक मृतक नानकराम पिता छोटेलाल धवन निवासी पंचम की फेल है। प्राथमिक छानबीन में बुजुर्ग के शरीर पर कोई गंभीर चोट के निशान नहीं मिले हैं। पता चला है कि एजेंट दशरथ निवासी नेहरू नगर से वृद्ध का विवाद और झूमा झटकी हुई थी। जमीन पर गिरने से नानकराम बेहोश हो गया था। इसके बाद उसे अस्पताल पहुँचाया गया था। मृतक नानकराम मालवा मिल में नौकरी करते थे। उस दौरान वे MIG थाना क्षेत्र की जन निवेश नामक संस्था में रुपए जमा करते थे। संस्था की ओर से दशरथ डेली कलेक्शन करता था। मिल से नौकरी छूटने के बाद नानक होर्डिंग का काम करने लगे थे। करीब 2 साल पहले उन्होंने रुपए जमा कराना बंद कर दिया था। इसके बाद से वे एजेंट से जमा रुपए वापस मांग रहे थे। पूरा परिवार मजदूरी करता है। काम पे से मैं आया था, घर पे गया। मैंने अब नहा लेता हूँ। मेरी बड़ी मम्मी पीछे से चिल्लाते भाई, बोले लाली चल दशरथ आ गया। उसको बाबूजी ने रोक रखा। दशरथ कौन है? ये किस्त वगैरह लेता संस्था का है। तो क्या बात को लेकर मगजमार हुई? मैं उनके पीछे पीछे गया और मैंने देखा कि मेरे बड़े पापा उसको कॉलर पकड़ रखे थे, उसने धक्का मारा और पेट में डोसा मारा। तो किसी ने बचाने की कोशिश की? बचाने की कोशिश किसी ने नहीं करी और मेरे बड़े पापा नीचे गिर गए। उसके बाद में फिर मैं ही हॉस्पिटल रिक्शा रोक के हॉस्पिटल ले शांत। TI के मुताबिक एजेंट को पकड़ लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।